Hello friends, welcome in our YouTube channel Get Solutions. हाल ही में हमारी भारत सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भीम ऐप को लॉन्च किया है, जो कि देश में ही बनी है और देशवासियों को ही समर्पित है। अभी तक हम फ्री चार्ज, पेटीएम, मोबीक्विक या किसी अन्य वॉलेट को उपयोग कर रहे थे, जिसमें हमें अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा पहले पैसे ट्रांसफ़र करने होते थे, उसके बाद ही हम उनकी सेवाओं का उपयोग कर पाते थे। लेकिन भीम ऐप में ऐसा क्या खास है जो इसे सबसे अलग बनाता है, और हम इस ऐप को कितना आसानी से यूज कर सकते हैं, तो जानते हैं इसके कुछ अलग और नए फीचर्स के बारे में। इसमें हमें पहले किसी वॉलेट में अमाउंट ट्रांसफर नहीं करना पड़ता, बल्कि हम डायरेक्टली एक बैंक से दूसरे बैंक में, वो भी इंस्टेंटली, अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। *99# डायल करके हम बिना इंटरनेट भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यदि किसी ने भीम ऐप को इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो भी हम आसानी से अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, हमें बस IFSC कोड एवं अकाउंट नंबर की आवश्यकता होगी। अब हम ये सारे फीचर्स मोबाइल पर लाइव देख लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भीम ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इसको ओपन कर लेंगे। लैंग्वेज चूज करनी होगी हमें यहाँ सबसे पहले, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देन नेक्स्ट, यहाँ इस तरीके से हमारे सामने ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह 24 आवर्स वर्क करेगा ये ऐप। हम कभी भी मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इंस्टेंटली दूसरे को भेज सकते हैं। यह हमसे अलाउ अस टू एक्सेस बोल रहे हैं, ये हमारा जो मोबाइल नंबर है उसे वेरीफाइड करेंगे। तो हम क्लिक करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड पर। यहाँ पर हमें मोबाइल टाइप सेलेक्ट करना होगा कि यह सिंगल सिम है या ड्यूअल सिम। तो मेरा मोबाइल ड्यूअल सिम है, मैं ड्यूअल सिम पे क्लिक कर देती हूँ। मुझे अपना नंबर वेरीफाई करना होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर वही नंबर हमें चूज करना है जो नंबर हमारे बैंक में रजिस्टर्ड होगा। जस्ट वंस सेंट, इन्होंने हमारा नंबर देखिए मोबाइल वेरीफाइड कर दिया है। अब हमें यहाँ पर पासकोड रजिस्टर करना होगा। यह पासकोड सिर्फ ऐप की सिक्योरिटी के लिए है। मैंने पासकोड अपना सक्सेसफुली सेट कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक्स की लिस्ट आ गई है। तो जो भी आपका बैंक है, आप उस बैंक को क्लिक करके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर पाएंगे। तो मेरा एक्सिस बैंक है, मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ। देन नेक्स्ट, सबसे पहले हम बैंक अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करके अपने अकाउंट डिटेल्स चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने मेरा ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट डिटेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले 6 डिजिट का UPI पिन सेट करना होगा। मैं ऑलरेडी इसको सेट कर चुकी हूँ। चेंज करना है UPI पिन तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और यदि हमें पिन को रीसेट करना है तो हम यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल ATM पिन की तरह हमें इसे सिक्योर रखना है और किसी के साथ भी इसको शेयर नहीं करना है। रिक्वेस्ट बैलेंस पर क्लिक करके हम बैलेंस भी जान सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट का। अब हम अपना प्रोफाइल चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से क्या चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे लिए। तो हमने क्लिक किया प्रोफाइल पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा QR कोड सेट हो चुका है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर @UPI मेरा पेमेंट एड्रेस बन चुका है। यदि हमें इसको किसी से शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। शेयर बटन पर क्लिक करके और डाउनलोड बटन पर क्लिक करके हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपनी शॉप पर लगा सकते हैं। यदि हमें मनी को सेंड करना है तो हम यहाँ सेंड बटन पर क्लिक करके मनी को सेंड कर सकते हैं। हमें सिर्फ उनके मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी जो कि UPI से कनेक्टेड होगा। तो हम यहाँ पर वो मोबाइल नंबर एंटर करके जस्ट वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और पेमेंट कर सकते हैं। आपको जिन्हें पेमेंट करना है, उन्होंने भीम ऐप को इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, तो भी हम उन्हें पेमेंट कर सकते हैं। यह बिल्कुल ऑनलाइन बैंकिंग की तरह है। ये जो 3 डॉट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अकाउंट प्लस IFSC कोड की हमें ज़रूरत होगी। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ हमें बेनिफिशियरी नेम ऐड करना होगा, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, देन बैंक IFSC एंटर करने के बाद में हम सेंड पे क्लिक करेंगे और मनी सेंड हो जाएगी तुरंत।
यदि आपको पैसे लेने हैं किसी से तो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक करके उतने अमाउंट की रिक्वेस्ट भी बना सकते हैं। उसका नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया, वेरीफाई किया मैंने यहाँ, देन मुझे 10 रुपीज यहाँ पर चाहिए या मुझे 100 रुपीज चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया अमाउंट। मैं यहाँ पर जैसे ही मैं रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दूंगी, उनके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी। यह देखिए, ये रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है इस UPI नंबर के एड्रेस पर। आपने जिनको भी पेमेंट किया है उनको यहाँ पर इस तरीके से 1 पेंडिंग शो होगा, और यहाँ पर नोटिफिकेशन के आइकन पर उन्हें नंबर दिखाई देगा। तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करके देखती हूँ कि इसमें क्या पेंडिंग चल रहा है। तो आप देख सकते हैं, हमने जो 100 रुपीज़ की रिक्वेस्ट बनाई थी वो यहाँ पर शो हो गई है। अब जैसे ही हम यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे, उनको मनी सेंड हो जाएगी, 100 रुपीज़ हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। और यदि हमें पेमेंट नहीं करनी है तो हम डिक्लाइन बटन पे क्लिक करके हम उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। इस बटन का यूज आप QR कोड स्कैन करने के लिए और QR कोड स्कैन करने के बाद पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं। यदि आप किसी को अपना पेमेंट एड्रेस या मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं बताना चाहते हैं तो आप स्कैन एंड पे पे क्लिक करके QR कोड को स्कैन कीजिए और पेमेंट आसानी से कीजिए। यहाँ से आप लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, यहाँ से आप जनरेट QR कोड कर सकते हैं। इस ऐप से रिलेटेड जो भी आपकी शंकाएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, आप यहाँ पर क्लिक करके सारे FAQs भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे यहाँ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए वीडियोज़ के अपडेट्स समय समय पर मिलते रहें। Thanks for watching.